ओके सो यू आर स्टार्टिंग द क्लास लास्ट लेक्चर ऑफ डिस्टर्बेंस एंड थॉट्स इंसिडेंट ओके नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो सॉल्व करने इसमें बोल ही रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट्स ठीक है तो हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके थे ठीक है तो डबलेट है डबलेट का मतलब दो डिफरेंट एनर्जी रेंज में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है ठीक है तो जब डिफरेंट सो एनर्जी एब्जॉर्ब तो वेवलेंथ क्या होता है वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा तभी डबलेट होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करेगा तभी डबलेट होगा ठीक है सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो डबलेट नहीं होगा यानी टू डिफरेंट वेवलेंथ होना चाहिए टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तभी डबलेट होगा ठीक है तो डबलेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब टू डिफरेंट वेवलेंथ है टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल में एब्जॉर्ब हो रहा है ठीक है तो हम लोग जो है दोनों ही रेंज में अलग अलग निकालते हैं तो हम लोग को मालूम है कि फॉर्मूला क्या है हम लोग को मालूम है C इक्वल टू न्यू लैम्डा ये फॉर्मूला है इसी से हम निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है दोनों अलग अलग वेवलेंथ है दोनों ही रेंज में तो इससे क्या निकलेगा इससे फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी वन लैम्डा ठीक है तो हम लोग एक को मान लेते हैं न्यू वन तो क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा वन ठीक है ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ जो है 589 नैनोमीटर दिया हुआ है तो हम उसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻¹⁹ से कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है मीटर में कन्वर्ट कर दिए नैनोमीटर उसके बाद इसको हम लोग जो है फाइनली जो है रिजल्ट आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.093 × 10⁻¹⁴ ठीक है तो ये जो है फ्रीक्वेंसी रेंज वन हुआ ठीक है अब उसी तरह से हम लोग जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक और फ्रीक्वेंसी रेंज को कैलकुलेट करेंगे दूसरा हो गया फिर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज दूसरा हो जाएगा सी बाय लैम्डा टू ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो दूसरा क्या है 589.6 नैनोमीटर इसको भी मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में जो है यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो पर सेकंड बचेगा इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना हर्ट्ज ठीक है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 5.088 × 10⁻¹⁴ पर सेकंड ठीक है ये हमारा रिजल्ट आ गया ये फ्रीक्वेंसी है ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया अब दोनों फ्रीक्वेंसी रेंज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन तो दोनों ही ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी निकल गया एक फ्रीक्वेंसी ये है दूसरा फ्रीक्वेंसी ये है अब कहता है कि फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट्स दोनों ही एक्साइटेड स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको निकालना है उसको क्या निकालना है एनर्जी डिफरेंस को निकालना है ठीक है तो हम एनर्जी डिफरेंस क्या होता है डेल्टा ई ठीक है डेल्टा ई का क्या हो गया डेल्टा ई हो गया ई टू माइनस ई वन तो हो गया एच न्यू टू माइनस एच न्यू वन एच को हम ले लेंगे न्यू टू माइनस न्यू वन ठीक है तो ये जो आप वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू को पुट करने के लिए जगह नहीं है, उस पर जरा हम इसको लिखा देते हैं। तो डेल्टा ई इक्वल टू है, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी लेवल जो है 5.088 इंटू 10^14 पर सेकेंड माइनस 5.093 इंटू 10^14 पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.31 इंटू 10^-22। ठीक है, 10^-22 जूल। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये फाइनली जो है एनर्जी डिफरेंस हुआ, दोनों जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो डिफरेंट एनर्जी रेंज में, उस दोनों एनर्जी रेंज का ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, यानी क्या हुआ कि डिफरेंट एनर्जी लेवल क्यों एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है ना, दो डिफरेंट लेवल में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है, यानी दो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसीलिए डबलेट है ना। इसका मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मीनिंग है कि वो दो डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हम लोग लिए, क्या है द वेव वर्क फंक्शन, ये क्या है, वर्क फंक्शन फॉर सीसीएम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीसीएम एटम का वर्क फंक्शन दिया हुआ, वर्क फंक्शन का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन बोथ आर सेम, ओके, सो बोथ हैव सेम मीनिंग। सो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोथ हैव सेम मीनिंग बिकॉज दीज टू टर्मिनोलॉजी इंडिकेट्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the outermost orbit to infinity orbit, that means to make the electron free. ठीक है, तो this is the work function. तो कह रहा है calculate the threshold wavelength and then you have to calculate the threshold frequency and then there is another condition in case of C that we'll discuss later. So first I'll solve the question number A and question number B. ठीक है, तो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज की है, सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय ई नॉट और डब्ल्यू नॉट, दिस इज द टू सिंबल विच इज यूज फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन जनरली फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी वी राइट ई नॉट, फॉर वर्क फंक्शन वी राइट डब्ल्यू नॉट। So whether you write E naught or W naught, both have same meaning. Okay. So here we will be writing wave work function or threshold energy. Threshold energy. Okay. Here it is written work function. So that is why I will be using a symbol W naught. So it will be H nu naught. Okay. H nu naught, but frequency is not given. You have to find out the wavelength. Okay? So
W naught equal to H C by lambda naught, nu naught should be replaced by C by lambda naught, because you know that C equal to nu lambda, C equal to nu lambda, so nu equal to C by lambda. Okay, so next we have to find out the threshold wavelength. So nu naught will come to this side and then it will be hc by w naught. ठीक है, तब लैम्डा नॉट हम आसानी से निकाल लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, h का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. And the work function, how much it is? 1.9 electron volt. What is given here? 1.9 electron volt. Electron volt should be converted into joule, because here the joule is terminology is used. There must be same unit every file. So that is why the electron volt must be converted into joule. So that is why the electron volt must be multiplied with 10 to the power minus 19. So it must be multiplied with 10 to the power minus 19, then it get converted into joule. So 1.9 electron volt means 1.9 into 10 to the power minus 19 joule. Clear? Now we have to calculate this one. Clear? We must calculate it. How much it will come to you? It will come to 6.54 into 10 to the power minus 7 meter. It will come to you 6.54 into 10 to the power minus 7 meter. Then it must be converted. If you want, you can convert it into nanometer. ठीक है, तो नैनोमीटर को मीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 6.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 9, ये हो जाएगा नैनोमीटर. ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे, ये दो बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 654 नैनोमीटर. अगर आंसर को नैनोमीटर में लेना है तो हमको मीटर को डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 9 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नैनोमीटर में. ठीक है, तो नैनोमीटर में हो गया हमारा आंसर इसका. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. तो अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला हमारे पास है C इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट. ठीक है, तो हमको न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट. अभी तुरंत हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं लैम्डा नॉट को, सी हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और लैम्डा नॉट हमने कितना निकाला है, 6.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 4.59 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी निकल गया. बहुत आसान है, जब वेवलेंथ निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी, ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे. ठीक है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, यहाँ पर चूंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही निकालना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ही यूज करेंगे फॉर्मूला में.
हमको जो चीज़ निकालना है उसके हिसाब से सिंबल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके सिंबल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। दोनों जो है पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट सी में क्या कह रहा है कि इफ द सीसीएम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विथ अ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कह रहा है कि पहले तो सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दिया, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब एक्चुअली कितना एनर्जी उसके ऊपर डालना है ये बता रहा है, यानी कितना फोटोन ऑफ एनर्जी आएगा। तो कह रहा है कि इसमें जो है आएगा कितना, इसमें आएगा कह रहा है कि जो इसका इरेडिएशन कराएंगे सीसीएम एलिमेंट का, वो हम लोग उस एनर्जी रेंज से कराएंगे जिसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, ठीक है। 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले एनर्जी से इसका हम रेडिएशन कराएंगे, उसके ऊपर अटैक कराया जाएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा, सब ये सारा टर्मिनोलॉजी उसी में यूज होता है। तो यहाँ पर अब थ्रेशोल्ड, अब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए क्या होता है कि किसी भी सोलर प्लेट के ऊपर हमको एनर्जी का, सनलाइट का फॉल कराना पड़ता है या कोई भी लाइट एनर्जी का। तो यहाँ पर हम लोगों को दे दिया गया कि किस रेंज के लाइट एनर्जी को उसके ऊपर इंसिडेंट कराना है, उससे टकराना है, उसको करवाना है रेडिएशन। तो वो बताया हुआ है कि 500 नैनोमीटर से ही करवाना है। कितना से करवाना है? 500 नैनोमीटर से ही करवाना है। तो 500 नैनोमीटर से रेडिएशन कराना है, यानी जो वेवलेंथ दे दिया है लेमडा इक्वल टू दे दिया है 500 नैनोमीटर, इसी से हमको रेडिएट कराना है। तो नैनोमीटर है तो उसको हम लोग जो है मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हो गया ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू हो गया, इसी से हमको कराना है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है कि हम लोगों को क्या करना है, सारे एच न्यू चाहिए, एच न्यू नॉट चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है ना रिलेशनशिप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये हो गया एनर्जी ऑफ वन, वो जो फोटोन आएगा उसका एनर्जी होगा, जो फोटोन इंसिडेंट होगा, जो फोटोन सरफेस के ऊपर फॉल करेगा उसका एनर्जी होगा, उसमें से कुछ एनर्जी ई नॉट के रूप में यूज होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में, और बाकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो है एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर ई और ई नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, E का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, या बाद में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाला हुआ है, सारे चीज़ निकाले हुए हैं पहले A और B में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो सारे वैल्यू को पुट कर सकते हैं या अलग से पहले से ही निकाल सकते हैं। तो E इक्वल टू एच न्यू है, पहले निकाल लेते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल। अब है कि यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लेकिन है तो वेवलेंथ, तो हमको पहले फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एच सी बाय लेमडा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एच का वैल्यू हो गया 6.626
इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3×10^8 मीटर पर सेकेंड हो गया। और वेवलेंथ का बात है, ठीक है, तो वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर, कितना है 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 10^-9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नैनोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो जूलिन बचा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, जूल बचा, तो एनर्जी हुआ, तो उनको एनर्जी जो कैलकुलेट करके आएगा वो मिली 3.98×10^-19 जूल, ठीक है। फाइनली कैलकुलेट करके इतना एनर्जी आएगा, ये हुआ टोटल एनर्जी, ये हुआ फोटोन का टोटल एनर्जी, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जो एक फोटोन आ रहा है, बहुत सारा फोटोन आ रहा है, हम तो एक ही फोटोन के लिए कैलकुलेशन ये कर रहे हैं ना, आ तो रहा है बहुत सारा फोटोन, हर फोटोन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो पहला फोटोन आया उसी का हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आते रहेगा, हम लोग एक फोटोन का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक फोटोन का एनर्जी इतना है, एक फोटोन जो आया और अटैक किया उसका एनर्जी इतना है, इसमें से कुछ एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में यूज होगा, और जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होगा। तो सीसीएम का थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, पार्ट ए जो कैलकुलेट में कर दिए थे, तो पार्ट ए में हम लोग देख चुके हैं, ई तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और पार्ट ए में हम लोग ई नॉट कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, डब्ल्यू नॉट किया था ना कैलकुलेट, वही है ई नॉट, वो कितना कितना आया था 3.04 3.04×10^-19 जूल आया था। तो हमारे पास ई आ गया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया, अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी भी कर रहा है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तभी वेलोसिटी निकलेगा, जब तक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं होगा तब तक वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, अभी तुरंत उधर हम लिखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉर्मूला, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, ठीक है, ई माइनस ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू तुरंत निकाले हैं 3.98×10^-19 जूल माइनस ई नॉट, ई नॉट यहाँ पर है 3.04×10^-19 जूल, पार्ट ए में हम लोग निकाले थे ना ई नॉट, उसी वैल्यू को यहाँ हम पुट किए, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो है कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा 9.4×10^-20, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया हमारा सी का, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि वेलोसिटी भी निकालिए, अब कहता है कि आप वेलोसिटी भी निकालिए, तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से ही निकलेगा, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ mv²। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पर e लगा सकते हैं, इसे नहीं भी लगाएंगे तो वर्क अपने हाफ mv² इक्वल टू 9.4×10^-20 जूल, ठीक है। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी
स्क्वायर हो गया, v इक्वल टू क्या होगा 9.4 इंटू 10 to the power -20, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा मास से और स्क्वायर रूट पड़ जाएगा क्योंकि हम v का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये नीचे डिवीजन है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मास इधर मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसलिए इधर जाके डिवीजन हो गया, और ये वी स्क्वायर है तो वी निकालना है तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट दे दिए। उसके बाद अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद रखना है -20 × 10⁻²⁹ / 9.1, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁰ kg, ठीक है, ये जूल है और केजी है, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.06 × 10⁻¹1, ठीक है। उसके बाद इसको फिर आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है खुद से, ये आएगा 4.54, तो फाइनली जो है वेलोसिटी आएगा 4.54 × 10⁵, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है, बस ध्यान देने की बात है, सब बन जाएगा।